हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सीएमसी गेट के। हम दोस्तों आज के इस ट्यूटोरियल में हम जानेंगे कि स्केल कमांड क्या होती है और स्केल कमांड का कहाँ कहाँ यूज होता है, कैसे ये काम करता है। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। प्लीज जो भी न्यू व्यूअर है चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन का बटन प्रेस कर लो ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको जाए। चलो चलते हैं, वीडियो देखते हैं। ये देखिए, पहले मैं जैसे आपको बताता हूँ, स्केच हम एक फ्रंट प्लेन बना लेंगे। स्केच यहाँ पे मैं कुछ जो है बॉडी ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। कुछ इस तरीके से मान लीजिए, ये मैंने ये ड्रॉ कर लिया सर्किल, एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ, एक हेक्स ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है, एक गो स्पेस। हाँ, ये इस तरीके के मैं कुछ बॉडी मैंने ये कर लिया, ठीक है। अब दोस्तों इसमें क्या है, अगर आप चाहते हो कि इनका हमें स्केल यानी कि साइज छोटा बड़ा करना है, स्केल से मतलब जो इस पर डिजाइन है वो सेम रहेगा। जैसे ये रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल रहेगा, खाली इसका स्केल बड़ा है, स्केल इसका साइज छोटा बड़ा होगा। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, ड्राइंग जब हम बनाते हैं तब हमें कई जगह उसको छोटा बड़ा करना होता है, मान लो साइज कम भर्ती करना होता है, सेम चीज रखनी होती है, तो इस कमांड का यूज करते हैं ताकि हमें मान लो दोबारा से वो ड्राइंग ना बना के उसी से हमारा काम चल जाए। इससे हमारा टाइम सेव हो जाता बहुत ज़्यादा, ठीक है। मैं इसमें जाऊंगा और ये देखिए स्केल एंटिटी में सिलेक्ट करूंगा। अब मुझे इसमें ये मैंने पहले से इसमें बहुत देर सिलेक्ट हो गया। अब जैसे क्या है, ये पूछ रहा है कौन सी बॉडी आपको करनी है। मान लीजिए मुझे ये सर्किल करना है, ठीक है, तो ये सर्किल सिलेक्ट हो गया। अब उसके बाद ये पूछेगा किस पॉइंट के अबाउट करना है, यानी कि आपको जो रेफरेंस लेना है वो कौन सा, या तो इसके ले लो या कहीं भी यहाँ पे ले लो, इसके ले लो, कहीं भी ले सकते हो। मैं मान लो अभी थोड़ी देर के लिए यहीं पे ले लेता हूँ, ठीक है, ये मैंने रेफरेंस पॉइंट ले लिया। अब जो है इसको कितना करना है, यानी कि मान लो इसको डबल करना है तो मान लो मैं इस पर इस तरीके से ड्रैग करके कर सकता हूँ, ठीक है, या डायरेक्ट कीबोर्ड से भी इसमें वैल्यू पुट कर सकता हूँ। अभी मैंने कॉपी पे चेक किया हुआ तो ये कॉपी होएगा, यानी कि जो स्केल हुई बॉडी है वो भी अवेलेबल रहेगी और जो विदाउट स्केलिंग है वो भी अवेलेबल रहेगी। ये मैं ओके ओके कर देता हूँ, ठीक है, ये इस तरीके से अवेलेबल रहेगा। अगर हमको करना है कि भाई मेरी बॉडी जो है ओरिजिनल ना रहे और ओनली दूसरी हो जाए, यानी कि कॉपी पे नहीं चेक करेंगे, तो सेम प्रोसीजर है, इसे इसे सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। दूसरा इसके अबाउट, मान लो इसके अबाउट कर देता हूँ, ठीक है। अब इसको मैं बढ़ा देता हूँ, मान लीजिए डबल कर देता हूँ, ठीक है, ये देखिए डबल हो गया। बट मैं अभी यहाँ पे कॉपी पे क्लिक नहीं करता, जैसे कॉपी पे क्लिक नहीं करूँगा तो आप देखेंगे ये वाला जो जो बॉडी ओरिजिनल बॉडी है वो उसकी गायब हो जाएगी, यानी कि वो रिमूव हो जाएगी ऑटोमेटिक। जैसे ही ओके पे क्लिक करूँगा ये देखिए ये रिमूव हो चुकी है, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके का ये फीचर है। अगर हम चाहते हैं, कभी होता है कि बहुत सारी बॉडी एक साथ हमें स्केल करनी हो तो उसे भी कर सकते हैं। जैसे मान लो ये चार पांच ड्राइंग बनी है और मैं चाहता हूँ इनको सारी को एक साथ में करूँ, सभी को एक साथ में करूँ, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसकी कमांड पे जाऊँगा, ठीक है, यहाँ से, और यहाँ सेलेक्ट में ऑल सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है, इस तरीके से ये ऑल सेलेक्ट हो गया। स्केल कर देता हूँ, किसके अबाउट, मान लो मैं इसके अबाउट ले लेता हूँ, ठीक है। अब मैं कॉपी पे चेक कर देता हूँ, ठीक है, मैं कॉपी पे चेक कर दिया और अब मुझको जो है ये डबल कर देना सारे, या तीन गुना थ्री टाइम कर देना, तो आप देखेंगे ये सारे देखो थ्री टाइम सारे हो गए, ठीक है। इस तरीके से थ्री टाइम पे कर देना, या मैं इसको डबल कर देता हूँ, ठीक है। तो ये इस तरीके के दोस्तों प्रीव्यू दिखाएगा, ये देखिए ये दोनों हो गए। अगर आप इसे थ्री टाइम में भी करना चाहते हैं तो भी हो जाएगा, कोई ऐसा इशू नहीं है इसके लिए, ठीक है। मान लो थ्री टाइम कर देना जाए इसका भी, तो ये देखिए ये थ्री टाइम भी हो गया। इस तरीके से ये कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमें कमेंट करके बताएं आपको ट्यूटोरियल कैसे लगते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।